था औद्योगिक शहर जमशेदपुर, द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसा औद्योगिक शहर जिसकी स्थापना जमशेद जी के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया या फिर टाटा नगर भी कहा जाता है। सिंहभूम जिले के पूर्वी छोर पर और छोटा नागपुर पठार पर स्थित जमशेदपुर भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया था, जो इस राज्य का गौरव है। वैसे तो यह शहर पूरी तरह इंडस्ट्रियल टाउन से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्क, अभ्यारण और बहुत सारे झील देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जमशेदपुर के टॉप 5 पिकनिक स्पॉट के बारे में, और आप इस साल यहाँ पर आकर पिकनिक मना सकते हैं और नया साल एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जमशेदपुर के टॉप 5 पिकनिक स्पॉट। नंबर 5 पर है डोबो डैम, जिसे सतनाला डैम के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह खूबसूरत डैम चारों तरफ से पहाड़ों से और जंगलों से प्राकृतिक से भरपूर सुंदरता से भरी हुई है। डोबो डैम में काफी मात्रा में लोग पिकनिक मनाने आते हैं और दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ होती है। परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह भी एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। नंबर 4 पर है छोटा माँ की डैम, जिसे हरलुंग डैम भी कहते हैं। जमशेदपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह छोटा बांकी डैम बहुत ही खूबसूरत डैम है। यहाँ आपको हरियाली, शांति और पानी का एक संगम मेल देखने को मिलेगा। शहर से दूर छोटा बांकी बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण पिकनिक स्पॉट है। डैम की तीनों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ यह खूबसूरत सा पिकनिक स्पॉट डैम तीन तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है। दलमा पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ यह डैम बेस्ट पिकनिक स्पॉटों में से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंबर 3 पर है चांडिल डैम। झारखंड के सोनरेखा नदी पर स्थित यह चांडिल डैम बहुत ही खूबसूरत और फेमस पिकनिक स्पॉट है। झारखंड का यह चांडिल डैम झारखंड के सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डैमों में से एक है। चांडिल डैम में पर्यटकों के लिए स्पेशल बोटिंग कराया जाता है, और इस बोटिंग के दौरान यहाँ पर चांडिल डैम की प्राकृतिक खूबसूरती को दिखाया जाता है। 220 मीटर ऊंची इस चांडिल डैम की खूबसूरती को देखने के लिए तथा यहां पर पिकनिक मनाने के लिए दिसंबर से जनवरी के बीच लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहां पर पिकनिक मनाते हैं। झारखंड के फेमस पिकनिक स्पॉटों में से चांडिल डैम अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नंबर 2 पर है डिमना लेक। जमशेदपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह डिमना लेक झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह दलमा पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, और यह झील अपने शांति और
सुखद हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में साफ पानी एवं सुंदरता दृश्य की परिवेश के कारण यह एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट में से एक है। खास करके दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ होती है और झारखंड के प्रसिद्ध पिकनिक स्थलों में से डिमना लेक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नंबर एक पर है जुबली पार्क। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित एक शहरी पार्क जिसे जुबली पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 200 एकड़ में फैला यह पार्क मैसूर के वृंदावन गार्डन से प्रेरित है। जमशेदपुर के अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से यह भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस जुबली पार्क में लेजर शो, फव्वारे शो और भी बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं और जो कि हमारे पर्यटकों को प्रेरित करती है। जमशेदपुर ही नहीं झारखंड में सबसे प्रसिद्ध पार्क है। जुबली पार्क में दिसंबर से जनवरी के बीच लाखों की संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं और झारखंड के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट में से यह भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जुबली पार्क झारखंड के प्रसिद्ध पिकनिक स्थलों में से एक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो दोस्तों आपको कौन सा पिकनिक स्पॉट अच्छा लगा कमेंट करें और साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।